कुछ पल जिंदगी। फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, फिर वही विलन बन गया। पहले तो मैंने दोनों पिक्चरों में भाई का रोल किया था, हाँ। रेशमा शेरा और सावन भानो, पर लोगों को पता नहीं भाई अच्छा नहीं लगा। मैं शर्मीली में फर्स्ट टाइम ग्रे शेड हुआ मेरा, उसमें बड़ा अच्छा मजा आया ना। तो प्रीमियर हुआ जब भी तो लोगों ने साइन वाइन लेने, फोटो लेनी शुरू कर दी। और इंडस्ट्री में भी कुछ हुई उन दिनों में, कुछ मैगजीन्स होती थी, फोटो वोटो छप गई तो लोग ऑटोग्राफ लेने शुरू हो गए। उन दिनों में पिक्चरें रिलीज होती थी, बॉम्बे हुई, फिर एक महीने बाद दिल्ली हुई, फिर कलकत्ता हुई, ऐसे होती थी ना। तो दिल्ली में प्रीमियर था, तब तक लोग पहचानना शुरू हो गए थे। तो मैंने अपने घर में सोचा कि ये लोग खुश होंगे ना, बेटे ने तरक्की की ना, तो लोग पहचानते हैं। मैंने 8-10 पास लेके ना उनको बिठा दिया, जहाँ मैंने गाइड देखी थी वहाँ मेरी पिक्चर लग रही शर्मीली। अब इंटरवल में उन दिनों में क्या करते थे कि पिक्चर रोक के सारी स्टार कास्ट को, टेक्नीशियंस को स्टेज पे बुलाते थे ना, स्क्रीन के सामने। पिक्चर शुरू हुई, मैं वापस आया, देखा मेरे घर के जितने फोक्स थे नोबडी वाज़ देयर। अच्छा। कोई था ही नहीं वहाँ। तो आजू बाजू वाली सीटें थी, मैं ये लोग कहाँ हैं, मतलब पता नहीं, आए नहीं बहुत देर से, कोई वापस ही नहीं आए। उसके बाद अशोका होटल में ठहरे हुए थे, कहीं वहाँ पार्टी वार्टी हुई दिल्ली में। पार्टी के बाद में मैं घर गया। मेरा अभी भी एक आदत है, शूटिंग पे जाता हूँ तो मान लीजिए दिल्ली गया या जहाँ मेरी सिस्टर वगैरह हो या कोई भी हो, तो मैं घर पे सोता हूँ, चाबी होती है, हाँ जी, लेकिन सोता हूँ उनके साथ जाके वहीं उनके अच्छा, घर में, हाँ हाँ। मुझे अच्छा लगता है। तो मैं घर पहुँचा तो सबके मुंह सूजे हुए, सब बैठे हुए है ना, रात को 2-2:30 बजे के करीब पहुँचा मैं, तो बड़े गुस्से में सब बैठे हुए एंड ऑल दैट, ऐसे लगता है कि मर गया है ना, दैट काइंड ऑफ स्टफ, अफसोस। तो इतने में मेरी माँ ने चार्ज करके मेरे आए, तो शर्म नहीं आती है, डूब मरना चाहिए तुझे, ये है वो है, पाप का नाम नाक कटवा दिया तूने, कौन सी शक्ल लेके अमृतसर जाएंगे अभी, ये नॉल आई बिलोंग टू अमृतसर, यू नो, बोर्न देयर। तो क्या हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, लड़कियों की इज्जत लूटता है, अरे तुम्हारा, मैं जी वो तो काम है, लाना तैसे काम पे, दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, शुरू। फिर मेरा फर्स्ट टाइम डेथ सीन देखा उन्होंने तो हॉल में रोना शुरू कर दिया माँ ने। oh, अभी हाँ। माँ के सामने बेटा मर रहा हो, और हम मरते भी तो है ना, पूरा दौर लगा खून निकल रहा है, असली कैसे मरना पता ही नहीं है। तो इस तरह मेरी लाइफ शुरू हो गई, रोल मिलने शुरू हुए, काफी टफ रोल रहे डाकू हर पिक्चर में, रंजीत है तो मतलब सुबह मेरा काम ही होता था, एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में बंदूक, और रोल सुनाते नहीं थे, बोल देते हाँ। और क्या रोल क्या है, कुछ नहीं जी पाजी, एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में लगाम है, घोड़ा आपके नीचे है, बस समझ लीजिए आप क्या रोल है। खैर वो मजाक मजाक में, उन दिनों में रोल वोल का मैं सुनता ही नहीं था, मैं अभी भी नहीं सुनता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ जो मुझे ले रहा है उसको मालूम है क्यों ले रहा है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। कहानी को आगे बढ़ाते, कुछ पन्ने जिंदगी के, हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने भी होते हैं जिन्हें हम कई बार पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे ही अनकहे अनसुने पन्नों को दोबारा पलटते हैं और 92.7 बिग एफएम सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी के।